हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच इज द पार्ट ऑफ एन एकेडमी तो आप सभी का स्वागत है जल्दी से ही सभी इस सेशन से जुड़ जाइएगा साथ ही सेशन को बाकी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा कि वह सभी भी क्लास से यहाँ पर जुड़ जाएं ठीक है एंड आज जो कि हम लोगों ने टॉपिक वाइज अभी अपनी क्लास को शुरू किया हुआ है सो अपनी क्लास में आज हम लोग ज्योग्राफी के ऊपर के जो कि क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बार सभी मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए कि सभी चीज़ें सही हैं सो फिर भाई क्लास को स्टार्ट करते हुए चलते हैं चलिए जल्दी से बता दीजिएगा सभी के सभी सोनू ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शान गुड मॉर्निंग सभी को चलिए शरण ओके हेलो चलिए सो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से आप सभी आंसर करना यहाँ पर शुरू करेंगे क्या अपने क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा ठीक है चलिए आंसर कीजिएगा भाई द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ अज मास लैंड बताएंगे भारतीय उप महाद्वीप मूलतः एक विशाल द्रव्यमान का हिस्सा है जिसे कि किस नाम से जाना जाता है आंसर कीजिएगा सभी तबियत ठीक नहीं लग रही अच्छा शो, तो फिर आप रेस्ट करो ठीक है जल्दी से आंसर करके बताएंगे कि यह किसका एक हिस्सा है ये आप लोगों को बताना है फटाफट से बताएंगे चलिए चलिए बताएंगे क्या आपका आंसर यहां पे रहेगा फटाफट से चलिए बताइएगा बिल्कुल इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि भाई यह है गोंडवाना महाद्वीप का एक हिस्सा रहा है देखिए एक्चुअली अगर हम पृथ्वी की बात करें हमारी अर्थ पर सेवेंटी ट्वेंटी नाइन परसेंट क्या है, 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 है? लैंड है क्या हो जाएगा लैंड है ये चीज ध्यान रखिएगा ठीक है सो ये जो लैंड का पोर्शन है माना जाता है कि पहले यह एक ही पार्ट हुआ करता था जिसे कि पेंजिया के नाम से जाना जाना जाता जाता था था पेंजिया के नाम से देन उसके बाद ये है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ना इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स जिसमें कि एक है गोंडवाना कॉन्टिनेंट अब इसके बारे में जरा देख लेते हैं ये बायोलिंग्वल रहेगा तो आपको इसको समझने में आसानी रहेगी देखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से है गोण्डवाना महाद्वीप के नाम से एक विशाल भूभाग का हिस्सा था गोंडवाना और प्राचीन महामहिम थे जो कि लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले यह टूट गए थे याद रखिएगा और भूभागों में विभाजित हो गए थे जिन्हें कि आज हम अफ्रीका के नाम से जाने जा, जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं हम इसे अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं और हम इसे अरेबियन पैनासोलर वाले एरिए नाम से जानते हैं एंड इंडियन सब के नाम से हम इन्हें जानते हैं सो so यह गोंडवाना का ही एक हिस्सा हुआ करता था आगे आ जाते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आंसर कीजिएगा बताएंगे आप सभी कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा चलिए आंसर अच्छा कल के बारे में आप सभी याद रखिएगा कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें मैं आप लोगों के साथ में एक तो सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगी सोलर सिस्टम ये कल यानी कि 28 नवंबर का टॉपिक है 11 बजे की क्लास का ही सोलर सिस्टम एंड इसमें हम जो कि लोंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड है लोंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड इन लाइंस के बारे में भी हम कवर करेंगे कल की क्लास में ठीक है चलिए सो आंसर कीजिएगा यहाँ पे क्या आपका आंसर यहां पे जाएगा भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में यहाँ पर विभाजित है चलिए सो so क्या हो जाएगा कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है भारत सब फिजिकल बताएंगे क्या हो जाएगा नेचुरल टेरिटरीज की बात कर लेते हैं तो कितने प्रदेशों में यह है विभाजित है चलिए क्या रहेगा भाई यहाँ पे कितने प्रदेशों में यहां पर विभाजित है चलिए देखो अगर हम आ, कुछ मुख्य मुख्य नेचुरल टेरिटरीज की बात कर लेते हैं तो यह है चार हिस्सों में यहाँ पर विभाजित है जिसमें कि आप यहां पर देख सकते हैं यह आप लोगों को होप्सो की विजिबल होगा देखिए अगर, अगर हम भारत की बात करते हैं तो फोर में नेचुरल रीजन आ जाते हैं जिसमें कि आता है नॉर्थ माउंटेन रीजन लार्ज प्लेन पैनासुलर प्लेट्यू एंड कोस्ट एंड आइलैंड तो ये चार आ जाते हैं नेचुरल रीजन में और अगर हम सब फिजिकल की बात कर लेते हैं यानी कि उपभौतिक क्षेत्रों की बात कर लेते हैं तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में है सिंधु गंगा प्लेन्स में है डेजर्ट में है सेंट्रल हाईलैंड एंडन प्लेटू में है कोस्टल प्लेन्स में है सी आइलैंड में है तो इन सभी में यह उप भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित है उप भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे तो छे में है और इनकी बात करेंगे तो चार में विभाजित है जिसमें कि आप लोगों से क्या पूछा गया था कि आप ये बताइए कि नेचुरल टाइटिस में क्या हो जाएगा सो फोर यहाँ पे रहेगा बाकी ये सभी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी ठीक है टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ में मैं आप लोगों को दे दूंगी दी फर्स्ट वीमैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वाज और साथ ही ईयर भी आपको बताना है क्या हो जाएगा आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या रहेगा चलिए क्वेश्चन में यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन में हाल ही में देखो सबसे पहली महिला की बात की एवरेस्ट ये कौन सी महिला रही हैं जिन्होंने की सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी चलिए 1975 में बिल्कुल सही बात है क्या हो जाएगा यह है जुंको तबाई क्या हो जाएगा जुंको तेबाई जो की है ये जापान की है कहाँ की है जापान की है एंड इन्होंने 1975 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी क्या हो जाएगा क्लाइंब माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट ठीक है ध्यान रखिएगा इसके साथ ही जो की सावन है। सावन की जो कि है की हाईएस्ट पीक है हाईएस्ट पीक है इन सभी की चढ़ाई करने वाली इन सभी की चढ़ाई करने वाली ये सबसे पहली महिला है फर्स्ट वीमैन इन दी वर्ल्ड फर्स्ट वीमैन इन वर्ल्ड चीज याद रखिएगा चलिए फिर भारत की ओर से बात कर लेते हैं भारत की ओर से कौन है बताइए फर्स्ट फर्स्ट इंडियन इंडियन की 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 अगर बात करें। पर्स्ट इंडियन की अगर बात बात करें जाए तो भाई कौन है बताओगे आप लोग सबसे पहली महिला है बछेंद्री पाल क्या हो जाएगा बछेंद्री पाल अब ईयर तो आप लोगों को ही बताना होगा किस ईयर में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी इसके साथ ही याद रखिएगा संतोष यादव के बारे में संतोष यादव ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी क्या हो जाएगा संतोष यादव की अगर बात की जाए तो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी यह फर्स्ट वेमैन थी जिन्होंने की दो बार यानी कि टू टाइम्स इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट की इन्होंने चढ़ाई की थी कब की थी इनकी बात करेंगे तो इन्होंने 1992 एंड 1993 में लगातार दो बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी ऐसा करने वाली है सबसे पहली महिला थी ओके okay, अच्छा मुझे ये तो बताइए इन्होंने कब की थी बिल्कुल 1984 में की थी इसके साथ ही करंट की एक न्यूज है इसके बारे में याद रखिएगा जिनका नाम है शीतल महाजन शीतल महाजन का नाम सुना है आप लोगों ने जल्दी से बताओ शीतल महाजन शीतल महाजन भाई ये सबसे पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने की ये एक स्काई ड्राइवर हैं जिन्होंने की सबसे ज्यादा ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट पर छलांग लगाई है इन्होंने 21,500 फीट की ऊंचाई से की हाइट से इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर छलांग लगाई है माउंट एवरेस्ट पर और ऐसा करने वाली यह है इन दी वर्ल्ड में पहली महिला बन गई है सबसे ऊंचाई से छलांग लगाने वाली ठीक है यह हाल ही की ही न्यूज है इनके बारे में याद रखिएगा चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं यहां पर जिसमें कि आपको आंसर करके बताना है क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारा आंसर बताइए जल्दी से क्या रहेगा कि भाई दी विमैन माउंट एरियन हु क्लाइम्ब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस जिन्होंने कि दो बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है कौन है सो यह है संतोष यादव ठीक है क्या हो जाएगा संतोष यादव बाकी यह फर्स्ट इंडियन विमैन है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली फर्स्ट इंडियन विमैन ठीक है अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है अरुणिमा सिन्हा बताइए अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है आप लोगों ने अरुणिमा सिन्हा ये सबसे पहली दिव्यांग महिला है दिव्यांग महिला जिन्होंने की जिन्होंने की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और सिर्फ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई ही नहीं बल्कि जो कि सावन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है यानी कि सबसे ऊंची चोटी है उन सभी की चढ़ाई करने वाली सबसे पहले दिव्यांग महिला ये दिव्यांग महिला सबसे पहली तो नहीं अंटार्कटिका पर सबसे पहली महिला बनी थी हाईएस्ट पी की चढ़ाई करने वाली ठीक है बाकी भारत की सबसे पहली महिला है दिव्यांग महिला जिन्होंने की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी चलिए फिर आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं इसमें आप सभी आंसर कीजिएगा क्या यहाँ पे आपका आंसर जाएगा ठीक है ये है मैच दी फॉलोइंग लिस्ट वन एंड लिस्ट टू सी बीच आपको दिए गए हैं एंड स्टेट और ये आपको कोड दिया गया है इसका क्वेश्चन कहीं गायब है भैया दीघा एक मिनट रुकना गोपालपुर चलिए सिलेक्ट दी करेक्ट वन सिलेक्ट करेक्ट आंसर बाय यूजिंग दी कोड चलिए आंसर कीजिएगा सभी के की सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए क्या आपका आंसर यहाँ पर जाएगा बताएंगे देखो अगर हम दीघा की बात कर लेते हैं तो यह है तमिलनाडु में ही है गोपालपुर की बात करेंगे पश्चिम बंगाल में ही है और अगर हम कैलेनगुटे की बात करेंगे तो यह उड़ीसा में ही है मारेन की बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका एक मिनट रुको मैंने ये पूरा ही गलत कर दिया चलिए 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 मैच दी में ये इस तरह से वन टू फाइव के ऑर्डर में सही नहीं है बल्कि दीघा की बात करेंगे ये आपका पश्चिम बंगाल में है रुकिए दीघा कहाँ पर है पश्चिम बंगाल में है मरीन की बात कर लेते हैं तो ये है तमिलनाडु में कैलंगुडे की बात करेंगे तो ये गोवा में है गोपालपुर की बात करेंगे तो ये ओडिशा में है तो ए का हो जाएगा यहाँ पे सेकंड, बी का हो जाएगा यहाँ पे थर्ड एंड सी का हो जाएगा फोर्थ एंड डी का हो जाएगा फर्स्ट ये करेक्ट ऑर्डर है यानी कि टू थ्री फोर वन इज द करेक्ट ऑर्डर तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन में ठीक है बी ऑप्शन इज राइट अच्छा ये बता दीजिए लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया कौन सा है सी बीच इन इंडिया बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि भारत में सबसे लंबा सी बीच किसका है इसके साथ ही अगर मैं कोस्टल लाइन की बात करूं कोस्टल लाइन तो सबसे लंबी जो कोस्टल लाइन है यह है गुजरात की है लगभग 1600 मीटर की यह कोस्टल लाइन रखता है ठीक है ध्यान रखिएगा वही सेकेंड नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश है थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु राज्य ठीक है याद रखिएगा अगर इन वर्ल्ड की बात करें कि वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किस कंट्री की है सो यह है यहां पर कैनेडा ठीक है लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन रखता है कैनेडा चलिए इसमें जरा आप लोग बताएंगे लॉन्गेस्ट बीच कौन सा है बताइए जी क्या हो जाएगा मैरीन बीच बिल्कुल सही बात है क्या हो जाएगा मैरीन बीच जो कि यह पड़ता है, है यहाँ पर चेन्नई के यहाँ पर यानी कि तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई इसके चेन्नई पर ही पड़ता है आगे आ जाते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा सभी क्या रहेगा यहाँ पे फटाफट से जल्दी से क्वेश्चन करते हैं दी नेम ऑफ दी कॉस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश आपको बताना है कि तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का जो कि कॉस्ट है इसे किस नाम से जाना जाता है आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा सभी के सभी चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग आंसर कीजिएगा क्या आपका आंसर यहां पर जाएगा फटाफट से चलिए बताइएगा क्या रहेगा और सभी के सभी क्लास को भी एक बार लाइक कर दीजिएगा किस नाम से जाना जाता है इनके कॉस्ट को ये आप लोगों को आंसर करते हुए यहाँ पे बताना है मालाबार कॉस्ट को अच्छा कोरोमंडल है मालाबार है नॉर्दर्न सर्किल है या फिर कौनकण है चलिए कॉस्ट की बात कर लेते हैं क्या आपका आंसर जो कि है यहां पे जाएगा चलिए फटाफट फड़ से देखिए मंगलोर से लेकर के मंगलोर से लेकर के जो कि कन्याकुमारी तक है क्या हो जाएगा कन्या कुमारी तक का जो कॉस्ट है कन्याकुमारी तक का जो कॉस्ट है इसे जाना जाता है किस नाम से इसे जाना जाता है मालाबार कोस्ट के नाम से और क्वेश्चन में जो आपका आंसर है ये रहेगा कोरोमंडल क्या हो जाएगा कोरोमंडल कोस्ट जो तमिलनाडु और अरुणा आंध्र प्रदेश के पास का जो कोस्ट है इसे कोरोमंडल कोस्ट के नाम से यहां पर जाना जाता है याद रखिएगा ठीक है इसके साथ आ जाता है एक आपका कन्नड़ कोस्ट क्या आ जाता है कन्नड़ कोस्ट कन्नड़ कोस्ट की अगर बात की जाए तो ये जो कि मोर मुगाव है मोर मुगाव, मोर मुगाव जो पोर्ट है गोवा के यहां पर यहां से लेकर के जो मंगलोर तक का कोस्ट है मंगलोर तक का जो कि कोस्ट है इसे कोणकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है ध्यान रखिएगा ठीक है इसके साथ ही दमन से लेकर के गोवा तक का ठीक है दमन से लेकर के दमन से लेकर के जो कि गोवा तक का कोस्ट है इसे किस नाम से जाना जाता है इसे कोणकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है जो कि लगभग 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक की लंबाई यहाँ पर रखता है ठीक है ध्यान रखिएगा इन सभी कोस्ट के नाम को आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है और अगर उत्कल कोस्ट की बात करें अगर उत्कल कोस्ट की बात करें तो उत्कल कोस्ट जो आ जाता है ये आ जाता है ओडिशा राज्य वाला एरिया आ जाता है ठीक है क्या हो जाएगा ओडिशा राज्य वाला एरिया और जो कच्छ कोस्ट है वो आपका आ जाता है गुजरात वाला एरिया चलिए नेक्स्ट आगे आ जाते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा बताएंगे आप सभी कि पट क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है आंसर कीजिएगा अगर हम पट रीजन की बात कर लेते हैं तो भाई यह है कहां पर स्थित है यह आप लोगों को आंसर करके बताना है चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा बताएंगे क्या आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा देखिए ये जो पट रीजन है ये आपका आ जाता है छोटा नागपुर प्लेटियो में क्या हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल नागपुर प्लेट्यू प्लेट्यू यानी कि छोटा नागपुर पठार छोटा नागपुर पठार पठार में इसकी अः इसकी लोकेशन आ जाती है इस क्षेत्र की और ये जो क्षेत्र है यह ऊंची पहाड़ियों की चोटी के लिए जाना जाता है और ये आपका झारखंड के एरिया में यहाँ पर आता है छोटे नागपुर पठार की अगर बात करें तो रिच ऑफ मिनरल्स के लिए यानी कि रिचेस्ट ऑफ मिनरल्स के लिए जाना जाता है रिचेस्ट ऑफ मिनरल्स जो मिनरल्स हैं उनके लिए क्या जाना जाता है इसे रिचेस्ट के रूप में यहां पर जाना जाता है द नेक्स्ट आगे आ जाते हैं इस क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा आप सभी कि झुमरी तिलैया रेडियो पर गाने के अनुरोध के लिए प्रसिद्ध है यह है, जो क्षेत्र है यह है, किस राज्य में है बताएंगे ये जो क्षेत्र है झुमरी तलैया यह किस राज्य में अक्सर अक्सर सुनते होंगे ना आप लोग कि यह गाना आया है झुमरी तलैया से समथिंग कुछ इस तरह से तो एक्चुअल में ये झुमरी तलैया जो है ये एक सिटी है क्या हो जाएगा झुमरी तिलैया की अगर बात करें तो यह एक सिटी है और यह सिटी कहाँ पर है ये सिटी है झारखंड राज्य में ये बात याद रखिएगा झारखंड की बात कर लेते हैं तो बिहार से अलग होकर के ही यह एक राज्य बना था 9 no नवंबर क्या हो जाएगा 9 uh, no, नहीं पंद्रह नवंबर को अलग हुआ था ये पंद्रह नवंबर दो हजार में यह अलग होकर के राज्य बना था झारखंड से ठीक है याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर बी ऑप्शन जाएगा चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं द नेक्स्ट आंसर करेंगे सभी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि भाई निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है भारत का कोहिनूर कहा जाता है बताएंगे आप सभी क्यों कहा जाता है क्योंकि वहां की माइन से ही माइन इट मीन खान से ही खान से ही कोहिनूर जो हीरा है यह है मिला था कोहिनूर जो की हीरा है यह है मिला था ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए सो इसमें आ जाते हैं यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा तो ये है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में जो कि गोलकुंडा गोलकुंडा की माइन है माइन है यहाँ से ही हीरा मिला था जो कि प्रेजेंट टाइम में इस जो कोहिनूर हीरा है इसके दो पार्ट्स हैं, इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो महारानी विक्टोरिया का अभी तो प्रेजेंट टाइम में खैर चार्ल्स थर्ड है आ, सम्राट यहाँ के ब्रिटेन के तो उनके ऊपर का जो मुकुट है जो ताज है एक पार्ट तो उसमें लगा हुआ है एक ब्रिटेन के ही म्यूजियम में रखा हुआ है तो हमारा ही कोहिनूर का हीरा है जो कि वहां पर है इसीलिए आंध्र प्रदेश को कोहिनूर हीरे के लिए जाना जाता सभी यहां पे, कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं गिरती है बताइए क्या हो जाएगा कौन सी नदी है जो कि यमुना नदी में यहां पर नहीं गिरती है आंसर कीजिएगा यमुना नदी की बात करें तो भारत की सबसे प्रदूषित यानी कि पोल्यूटेड रिवर के लिए जानी जाती है पोल्यूटेड रिवर के लिए भाई जानी जाती है यमुना नदी कहाँ से निकलती है उत्तराखंड के बंदर पुंज बंदर पुंज है चोटी है वहां से यह है, निकलती है याद रखिएगा और यह है गंगा नदी की सहायक नदी है यह है हमारी गंगा नदी की सहायक नदी है यह बात याद रखिएगा गंगा नदी में कहां पर जाकर के प्रयागराज में प्रयाग राज में जाकर के मिल जाती है ये ध्यान रखिए रखिएगा जाकर के मिल जाती है ठीक है ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा चलिए इसमें हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर तो ये सोन नदी है ये हिंदी में इन्होंने गलत दे दिया है इंग्लिश में सही है ठीक है के नदी हुई बेतवा नदी हुई चंबल नदी हुई ये दोनों की ये तीनों की तीनों इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसमें कि अगर आप लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे यानी कि सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे सहायक नदी तो यह चंबल नदी ही है यमुना नदी की बट अगर आप सोन नदी की बात करेंगे तो सोन नदी इसकी सहायक नदी नहीं है बल्कि सोंग नदी क्या हो जाएगा यहाँ पर सोन नदी जो है यह गंगा नदी की सहायक नदी है ठीक है कहाँ पर मिलती है गंगा नदी में यह है पटना में मिलती है बिहार के पटना में यह मिल जाती है इसके साथ ही अगर सोन नदी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है अमर कंटक से यह है निकलती है ये चीज याद रखिएगा ठीक है दे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं यहाँ पे आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा बताइए कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में शामिल नहीं होती है आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा कौन सी नदी है जो कि चंबल नदी में शामिल नहीं होती है आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा कौन सी नदी है बेटा कोई नहीं सोन नदी तो हो गया ना चले कौन सी नदी है जो कि चंबल नदी में शामिल नहीं होती है बात कर लेते हैं इसमें अभी आपने जस्ट पीछे ही क्वेश्चन किया था ना बेतवा रिवर बेतवा नदी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो कि हमीर टावर है हमीर टावर है इसके यहाँ पर यह है यमुना नदी में मिल जाती है यमुना नदी में मिल जाती है सो यह चंबल नदी की शायद नदी है नहीं है इवन चंबल नदी की बात करेंगे तो यह भी यमुना नदी की ही एक ट्रिब्यूटरी है ठीक है याद रखिएगा चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं नेक्स्ट से यहां पे आंसर कीजिएगा कि क्या आपका आंसर रहेगा अगले क्वेश्चन में फटाफट से आंसर कीजिए निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्राकृतिक आपदा आती है प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल डिजास्टर का जो सामना करना पड़ता है वह इनमें से किस स्टेट को सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है तो याद रखिएगा यह है ओडिशा ओडिशा ये एक कोस्टल लाइन रखता है कोस्टल लाइन रखता है वैसे तो जो कि आंध्र प्रदेश है गुजरात है ये दोनों भी कोस्टल लाइन रखते हैं अब इसमें ओडिशा में क्या है कि ओडिशा बे ऑफ बंगाल की तरफ बे ऑफ बंगाल की साइड से अपनी कोस्टल लाइन रखता है और ज्यादातर यहां से चक्रवात का उत्पादन देखने के लिए मिलता है जैसे कि अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में सबसे पहला जो कि साइक्लोन आया है यह है मोचा साइक्लोन ठीक है हाल ही में मिथिलिया मिथिलिया हाल ही में मिधिलिया साइक्लोन भी आया है मिथिलिया साइक्लोन भी आया है ठीक है ये याद रखेगा और एक तेजस साइक्लोन भी आया था ठीक है इसके साथ ही बिपर जोए साइक्लोन भी आया था बिपर जोए साइक्लोन ठीक है और एक था हेमून साइक्लोन क्या हो जाएगा हेमून साइक्लोन ये सभी के सभी वो साइक्लोन है जो कि 2023 में ही आए हैं इंडियन ओशियन में आने वाले साइक्लोन है इनके नाम याद रखिएगा देन नेक्स्ट आगे आ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे कि देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है कहाँ पर आंसर कीजिएगा सबसे पहला डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है यह आपको बताना है फटाफट से आंसर कीजिएगा नाइनटीन में सबसे पहला जो कि भाई यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था यह कहां पर किया गया है बताइए सबसे पहला चले इसे याद रखिएगा यह है लातूर ठीक है महाराष्ट्र का जो कि यहां पर महाराष्ट्र का जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट है यहां पर है यह क्लियर याद रखिएगा क्या आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा नासिक नहीं नागपुर में है ठीक है नासिक नहीं बल्कि क्या हो जाएगा नागपुर में यह है अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं सभी के सभी फटाफट से आंसर कीजिएगा कि हरियाली के लिए हरियाली के लिए एक नई योजना इनमें से कौन सी है बताइए आंसर कीजिएगा हरियाली की अगर न्यू स्कीम की बात करते हैं तो इनमें से कौन सी है जो कि हरियाली की एक न्यू स्कीम के लिए यहाँ पर जानी जाती है फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यह हरियाली ना एक न्यू स्कीम ही है बताएंगे कि भाई यह किससे संबंधित है फटाफट फड़ से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा हरियाली किससे संबंधित है देखिए 2003 में जो यह हरियाली स्कीम है इसे चलाया गया था क्या हो जाएगा जो हरियाली स्कीम है इसे शुरू किया गया था किसके द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ठीक है अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा यहां पर शुरू किया गया था याद रखिएगा जब यह देश के प्रधानमंत्री थे ठीक है जो कि 1998 से लेकर के यह 2003 तक यहां पर थर्ड नंबर पर बने थे यहाँ पर तो ये किससे संबंधित ही बिल्कुल सही बात है ऑफ डेजर्ट लैंड लैंड यानी कि जो रेगिस्तान वाला हिस्सा है जहां पर की सबसे कम बारिश होती है और उपजाऊ के एरिए से भी यह बहुत ही मतलब खराब एरिया जाना जाता है तो इन क्षेत्रों पर हम फॉरेस्टेशन यानी कि वनारोपण कर सके इसके लिए इस योजना को चलाया गया था आगे आ जाते हैं दे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम लोग इसमें आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा कि भाई सरदार सरोवर तो परियोजना के लाभार्थी राज्य कौन से हैं आंसर कीजिएगा सरदार परियोजना के लाभार्थी कौन कौन से राज्य हैं सरदार सरोवर तो की बात कर लेते हैं तो यह है एक डैम है बल्कि मल्टीपर्पज के तौर पर इसे बनाया गया है मल्टीपर्पज का मतलब होता है इरिगेशन सिंचाई के लिए भी यूज किया जा रहा है ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने के पानी के लिए भी यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज किया जा रहा है इट मीन एक से ज्यादा उसके पर्पज है ठीक है सो यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है नर्मदा नदी पर यह बना हुआ है कहाँ पर बना हुआ है यह बना हुआ है गुजरात में आपको याद होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था वो सरदार सरोवर डैम के बनने के अगेंस्ट में ही चलाया गया था जिसके की मेधा पाटकर यहाँ पर लीडर रहे हैं So, इस योजना की अगर बात करते हैं कौन कौन से राज्य हैं जिन्हें की इससे फायदा मिलता है ये एक हजार चार सौ पचास वोट एक हजार चार सौ पचास बिजली का उत्पादन करता है कौन सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो की है चलिए बात कर लेते हैं कि भाई यह गुजरात को महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश को और राजस्थान को इन सभी राज्यों को बेनिफिशियल मिलता है इस प्रोजेक्ट से सो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर जाना जाएगा ठीक है बाकी ध्यान रखना कि सरदार सरोवर जो है ये एक ग्रेविटी डैम है ग्रेविटी डैम होता है जो कि आपका कॉन्क्रीट से मिलकर के बना हुआ होता है क्लास में बफरिंग हो रही है क्या चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं ने नेक्स्ट आंसर कीजिएगा कि भाई विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच इनमें से कौन सा एक पेयर है जो कि सही तरह से मेल नहीं खाता है यह आप लोगों को बताना है आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा चलिए दुल्हस्ती की बात कर लेते हैं क्या यह है? चिनाब नदी पर बना हुआ है सो बिल्कुल सही बात है चिनाब नदी पर बना हुआ है इंदिरा गांधी नहर जो कि सतलुज नदी से निकाली गई है और इंदिरा गांधी ये भारत में लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लार्जेस्ट आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल कैनाल के लिए यहां पर जानी जाती है क्या हो जाएगा आर्टिफिशियल कैनाल के लिए जानी जाती है ये बात याद रखिएगा इसकी लोकेशन कहां पर है राजस्थान में है इंदिरा गांधी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था जो कि जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था ठीक है राजस्थान में सिंचाई के पर्पज से इसे बनाया गया था और इसे सतलुज नदी से ही पानी दिया गया है अब इंदिरा गांधी सॉरी नागार्जुन सागर की बात कर लेते हैं यह बना हुआ है कृष्णा नदी पर क्या हो जाएगा कृष्णा रिवर पर बना हुआ है ना कि यह कावेरी नदी पर बना हुआ है तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत ओके की बात कर लेते हैं ताप्ती नदी पर बना हुआ है गुजरात में ये सही है कावेरी रिवर के बारे में ये और याद रखेगा कि इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है और सदन सबसे दक्षिणी अगर बात करें सबसे दक्षिणी सबसे लंबी के लिए जानी जाती है दक्षिण भारत की बात करेंगे तो गोदावरी नदी सबसे लंबी हो जाएगी जो कि भारत की भी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है बट सबसे दक्षिण की अगर बात करें दक्षिण हिस्से में तो ये वाली लंबी आ जाएगी चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं आंसर कीजिएगा सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए कि भाई भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर कोल डैम परियोजना का निर्माण किया हुआ है बताइए कोल डैम परियोजना का जो कि निर्माण है यह है, कहां पर किया हुआ है तो याद रखेगा सतलुज नदी सतलुज नदी का जो कि ओरिजन एरिया है वो भारत में नहीं है बल्कि आउट ऑफ इंडिया है आउट ऑफ इंडिया सो फिर कहां पर है इसका जो यह है, है तिब्बत में क्या हो जाएगा तिब्बत में है तिब्बत में जो कि मानसरोवर मानसरोवर जो कि मानसरोवर तल है ठीक है इसके यहां से यह है, निकलती है और सतलुज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में शिव किले दर्रे से शिव किला जो कि दर्रा है यानी कि पास है यहां से यह एंटर करती है इट मींस प्रवेश करती है याद रखिएगा ठीक है प्रवेश करती है याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही आंसर हमारा था देन और एक बात और याद रखिएगा कि रिवर्स के ऊपर वैसे तो मैं क्लास कर चुकी हूं बट आप लोगों के लिए भी किसी दिन मैं रिवर्स के ऊपर उस क्लास का रिविजन करा दूंगी ठीक है चलिए द नेक्स्ट है कि भाई विच ऑफ दी विच वन ऑफ दी फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच इसमें भी यहाँ पर आपको डैम दिए गए हैं यहाँ पर उनके सामने उन नदियों के नाम दिए गए हैं कोई एक है जो कि सही विकल्प नहीं है बताइए नागर डैम की बात कर लेते हैं जिसे कि भाखड़ नागर डैम के नाम से जाना जाता है और यह है भारत में एज आ हाइएस्ट ग्रेविटी डैम हाइएस्ट ग्रेविटी डैम के लिए जाना जाता है 221 मीटर 221 मीटर इसकी ऊंचाई है ठीक है इसकी लोकेशन आ जाती है कहां पर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ वाला जो पोर्शन है भाखड़ नागल है अच्छा ये नागल की बात की है तो ये पंजाब में है चलिए इसकी लोकेशन कहां पर है पंजाब में है जो भाखड़ है ना भाखरा है इसकी लोकेशन है हिमाचल प्रदेश में ये दोनों एकजुट करके ही वैसे बनाए गए हैं जब सतलुज नदी प्रवेश करती है ना हिमाचल से पंजाब में प्रवेश करती है तो वहां पर ही दोनों की सीमाओं पर ही बना हुआ है ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं नर्मदा नदी नागा अर्जुन सागर अभी तो देखा था हमने कहाँ पर बना हुआ है कृष्णा नदी पर कृष्णा नदी पर ना कि गोदावरी नदी पर तो ये वाला आपका गलत था हीराकुंड डैम की बात कर लेते हैं लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया के लिए यह जाना जाता है सबसे लंबा बांध महानदी पर बना हुआ है कहां पर बना हुआ है ओडिशा राज्य में यह बना हुआ है आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर आंसर कीजिएगा इसमें कि भाई गोविंद गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय यह कहां पर स्थित है आंसर कीजिएगा गोविंद वल्लभ पंत जलाशय जो की है यह कहां पर स्थित है यह आपको बताना है यह अगर हम भारत की बात करें इन इंडिया So, यह है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल यह है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वर के लिए यहां पर जाना जाता है ठीक है ये बात आप लोग याद रखिएगा ठीक है और साथ ही इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी लोकेशन कहां पर आ जाती है उत्तर प्रदेश में आ जाती है इसमें पानी कहां से दिया गया है रिहंद नदी से दिया गया है रिहंद रिवर से दिया गया है यह बात याद रखिएगा ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं यहाँ पर आंसर कीजिएगा पिंक रिवॉल्यूशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह है किससे जुड़ी हुई है बताइए पिंक रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो यह किससे जुड़ी हुई है जी किससे जुड़ी हुई है इसकी अगर बात कर लेते हैं पिंक रिवॉल्यूशन सो यह है एक तो ओनियन से और एक झींगा मछली से झींगा मछली के उत्पादन से जुड़ी हुई है इन दोनों के लिए जानी जाती है पिंक रिवोल्यूशन याद रखिएगा कुछ और रिवोल्यूशन ले, को लेकर के बात कर लेते हैं देखिएगा पिंक रिवोल्यूशन की बात कर लेते हैं है, तो क्या हो जाएगा ओनियन है ना एंड ब्लैक रिवोल्यूशन की बात करेंगे पेट्रोलियम रेड रिवोल्यूशन की बात करेंगे टमेटो एंड मीट ब्लू रिवोल्यूशन की बात करेंगे फिशरीज येलो रिवोल्यूशन की बात करेंगे सो यह ऑयल सीड से यहाँ पर रिलेटेड है और बाकी ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में याद रखना सबसे पहली ग्रीन रिवोल्यूशन ही थी यह एग्रीकल्चर से संबंधित है एग्रीकल्चर जिसमें कि वीट यानी कि गेहूं एंड राइस के प्रोडक्शन पर ज्यादा जोर दिया गया था यह बात याद रखिएगा उसके बाद जो कि इंद्रधनुष इंद्रधनुष जो कि रिवॉल्यूशन है इसके बारे में भी याद रखना यह एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है ग्रीन रिवॉल्यूशन गेहूं और राइस पर फोकस किया गया था बट यह ऑल ओवर ऑल ओवर जो प्रोडक्ट है उत्पाद है जो रिलेटेड है एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से रिलेटेड है उन सभी के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए इसे शुरू किया गया था ठीक है इसके साथ ही गोल्डन रिवॉल्यूशन के बारे में भी याद रखिएगा गोल्डन रिवॉल्यूशन ये आपकी संबंधित है हनी यानी कि शहद के उत्पादन से साथ ही यह हॉर्टिकल्चर से भी रिलेटेड है यानि कि बागवानी से ठीक है और अगर आपसे गोल्डन फाइबर की बात की जाए गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन की अगर बात की जाए तो यह है जूट के प्रोडक्शन से रिलेटेड है क्या हो जाएगा जूट उत्पाद से यहां पर रिलेटेड है ठीक है और अगर वाइट रिवोल्यूशन की बात करें अगर वाइट रिवोल्यूशन की बात करें तो बताओगे वाइट रिवोल्यूशन ठीक है 26 नवंबर कुछ याद है किसी को वाइट रिवोल्यूशन यानी कि 26 नवंबर किसी को कुछ याद है व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में सफेद क्रांति जिसे की ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है अभी सुबह करंट अफेयर की क्लास में ही मैंने इसे एक्सप्लेन किया था चलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत में एज अ नेशनल मिल्क डे नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है किस लिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन वर्गीस कुरियन डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो कि है डॉक्टर वर्गीस कुरियन ठीक है इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है बर्थ एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी होती है और इस बार एक सौ दो नंबर की इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी इनका जो बर्थ है ना जो जन्म है ये छब्बीस नवंबर छब्बीस नवंबर नाइनटीन ट्वेंटी वन में हुआ था केरल में केरल के कोजीकोड़ा में हुआ था और इन्होंने ही भारत में व्हाइट रिवोल्यूशन को शुरू किया था इसलिए इन्हें भारत में मिल्क मैन ऑफ इंडिया फादर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए भी जाना जाता है इन इंडिया in in भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है ठीक है ध्यान रखिएगा सभी के सभी चलिए अच्छा सिल्वर प्रो, अगर हम सिल्वर रिवॉल्यूशन की बात करें तो सिल्वर रिवॉल्यूशन किस रिलेटेड है सिल्वर सिल्वर रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो एग यानी कि अंडा प्रोडक्शन से यह रिलेटेड है ठीक है क्या हो जाएगा एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है और अगर आपसे सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन की बात करेंगे सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन ये किससे रिलेटेड है सो so यह कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है कॉटन प्रोडक्शन से यहाँ पर रिलेटेड है ठीक है चलिए बाकी इसके ऊपर भी मैं मैं प्रॉपर एक क्लास कर चुकी हूँ जो रिवॉल्यूशन है ना रिवॉल्यूशन के ऊपर प्रॉपर मैं आप लोगों के लिए एक क्लास कर चुकी हूँ यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने की थी तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं रिवॉल्यूशन बाय सोना मैम ठीक है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बाय सोना मैम तो पूरी आ जाएगी उसमें मैंने आपको उनके फादर ईयर कब शुरू किया गया था कौन उसके जनक है सभी के बारे में दस मिनट की वीडियो है कवर कराया हुआ है चलिए नेक्स्ट है दी ब्लैक रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है अभी तो हमने किया था ब्लैक रिवॉल्यूशन के बारे में क्या हो जाएगा किससे रिलेटेड है तो भाई ब्लैक रिवॉल्यूशन आपका कोल हो गया क्रूड ऑयल हो गया मस्टर्ड ऑयल कच्चे तेल का उत्पादन आ जाएगा आपका यानी कि पेट्रोलियम ठीक है क्या हो जाएगा पेट्रोलियम इट मीनस कच्चे उत्पादन से यह है कच्चे तेल उत्पादन से संबंधित है ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर करना है कि भाई इनमें से कौन सा है जो कि सही तरह से मिलान नहीं खाता है बताइए दिख रहा है ना आप लोगों को क्लियरली चलिए विच ऑफ नॉट करेक्टली मेस्ट आंसर कीजिएगा रिवॉल्यूशन है एंड किस रिलेटेड है चलिए गोल्डन रिवॉल्यूशन अभी बताया था भाई हनी शहद और हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी से रिलेटेड है हिंदी में क्या हो जाएगा बागवानी से संबंधित है जैसे कि फूड प्रोडक्शन हुआ वेजिटेबल प्रोडक्शन हुआ सब्जियों का उत्पादन हुआ फलों का उत्पादन हुआ फूलों का उत्पादन हुआ इन सभी से है व्हाइट रिवॉल्यूशन श्वेत क्रांति क्या हो जाएगा दूध से है ब्लू रिवॉल्यूशन किस से रिलेटेड है फिशरीज क्या हो जाएगा यहाँ पर फिशरीज फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ चलते हैं बाकी ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं यहां पर क्या हो जाएगा एग्रीकल्चर अच्छा हाल ही में ना बेस्ट फिशरीज अवार्ड दिया गया है बेस्ट फिशरीज प्रोडक्शन का अवार्ड दिया गया है क्या आप बता सकते हैं किस राज्य को दिया गया है एक राज्य को फिशरीज का सबसे ज्यादा उत्पादन करने के लिए अवार्ड दिया गया है क्या आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा नहीं नहीं गलत है धर्मेंद्र एक्चुअली जो कच्चा तेल है ना उससे ही रिलेटेड रहेगी चलिए याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को दिया गया है बाकी फिश प्रोडक्शन की अगर हम बात करें फिश प्रोडक्शन के बारे में तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई समुद्री मछलियों का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है तो ये करता है गुजरात ठीक है लेकिन उत्तर प्रदेश ये मैदानी भागों में जो मैदानी क्षेत्रों में है राज्य उनमें सबसे ज्यादा जो मछली का उत्पादन करता है वो उत्तर प्रदेश करता है आगे आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा आपके अगले क्वेश्चन में बताएंगे कि भाई महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस फसल को व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा चलिए वाइट गोल्ड के नाम से यहाँ पर जाना जाता है बताएंगे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही बात है कॉटन को जाना जाता है कपास को ठीक है इसके साथ ही सबसे ज्यादा जो कि कॉटन मील है सबसे ज्यादा जो कि कॉटन मील है इनके नंबर भी कहां पर है महाराष्ट्र में ही है बट अगर हम बात करें कॉटन के प्रोडक्शन के बारे में कि कौन सा राज्य है जो कि इसके प्रोडक्शन के मामले में फर्स्ट नंबर पर आता है तो क्या आप बता सकते हो कौन सा राज्य है जो कि कॉटन के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर आता है यानी कि सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करता है और इन वर्ल्ड इन वर्ल्ड में भी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन कौन सा राज्य कर रहा है बत, आ, मतलब कौन सा देश कर रहा है ये आप लोगों को बताना है आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा फटाफट से चलिए क्या हो जाएगा बताएंगे चलिए सो so, आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा फटाफट से बिल्कुल भारत में अगर बात कर लेते हैं तो गुजरात है फर्स्ट पर फिर आता है महाराष्ट्र ठीक है फर्स्ट पर है गुजरात सेकंड पर यहाँ पे आ जाता है महाराष्ट्र बट अगर हम वर्ल्ड में बात करते हैं तो विश्व में कौन सा देश है जो कि कॉटन के प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है बिल्कुल फर्स्ट पर है चाइना और सेकेंड पर है हमारा देश इंडिया सेकेंड पर क्या हो जाएगा ये है हमारा देश नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं यहाँ पे आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट से विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आंसर कीजिएगा किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल आपको यहां पर मिलेंगी बताएंगे चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा चलिए बिल्कुल क्या हो जाएगा सो so यह है, है यहाँ पर महाराष्ट्र और सेकेंड नंबर पर आ जाता है यहाँ पे तमिलनाडु तमिलनाडु भी कॉटन टेक्सटाइल का उत्पादन करने में सर्वोच्च पर ही आता है चलिए फटाफट -फड़ से आगे आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आपको कुछ प्रोडक्शन की बात की गई है यानी कि क्रॉप और प्लांटेशन की बात की गई है यहाँ पर इनके सामने लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट की बात की गई है यानी कि वो राज्य जो कि इन फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं देखिए जूट की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल करता है ये बात सही है अभी फिलहाल यह फर्स्ट नंबर पर है जूट प्रोडक्शन में टी की बात करेंगे तो असम राज्य है बिल्कुल सही बात है सबसे पहला जो कि टी प्लांट लगाया गया था वह भी असम राज्य में ही लगाया गया था शुगर केन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश है क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश शुगर केन की अगर हम बात कर ले तो इसमें याद रखिएगा फर्स्ट नंबर पर अभी उत्तर प्रदेश है सेकंड पर है इसमें महाराष्ट्र ठीक है ये चीज याद रखिएगा अभी फिलहाल वैसे महाराष्ट्र इसमें फर्स्ट में है रुकिए चीनी के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश है लेकिन फिलहाल ना उत्तर प्रदेश की जगह यहाँ पर महाराष्ट्र होगा वैसे तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो की है ये दोनों अक्सर कॉम्पिटिशन में रहते हैं शुगर केन और शुगर के प्रोडक्शन को लेकर के बट अभी फिलहाल महाराष्ट्र शुगर केन के मामले में फर्स्ट पर है और यहाँ पे अगर हम रबड़ की बात कर ले रबड़ बड़ की अगर बात की जाए तो केरल राज्य अकेले भारत में केरल राज्य ऐसा है जो कि 90 परसेंट रबड़ का उत्पादन करता है तो डी ऑप्शन तो आपका सीधा सीधा गलत ही इन्होंने दिया है म, जो हिमाचल प्रदेश है इसके कंपेयर में केरल राज्य है जो कि सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन करता है अच्छा शुगर केन के बारे में एक चीज और याद रखिएगा अभी सुबह की ही करंट अफेयर की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी हाल ही में सिक्सटी नंबर की काउंसिल का आयोजन किया गया है ठीक है और इन्होंने 2024 के लिए 2024 के लिए प्रेसिडेंट के रूप में चुना है भारत को किसको चुना है भारत को चुना है ये बात याद रखिएगा ठीक है बाकी अगर हम शुगर केन की बात कर लेते हैं तो शुगर केन के प्रोडक्शन के मामले में प्रोडक्शन के मामले में हम वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आते हैं ठीक है शुगर केन के प्रोडक्शन के मामले में और शुगर के प्रोडक्शन के मामले में उत्पादन में सेकंड नंबर पर लेकिन अगर हम कंजम्पशन की बात करें यानी कि उपभोक्ता की बात करें कि हम खा जाते हैं तो हम सबसे ज्यादा चीनी खाते हैं हमारी इंडिया में लोग सबसे ज्यादा चीनी खाना पसंद करते खाना इन देंस ऐसा नहीं चीनी खा रहे हो यानी कि जैसे कि चाय हुआ चाय के बहुत शौकीन है कंपेयर टू बाकी सभी कंट्रीज के इंडिया में सबसे ज़्यादा टी लवर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे ठीक है तो इस तरह से या फिर कुछ भी जो मीठी चीज बनती है खीर बनती है हलवा बनता है तो उस सभी में ही शुगर होता है चलिए आगे आ जाते हैं द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया अभी देख चुके हैं केरल राज्य है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है रबड़ का आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में इसमें आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट से विच मिनरल इज फाउंड इन नथुरा की पाल बताएंगे यहाँ पर नथुरा की पाल ये पूरा नाम है इसका नथुरा की पाल में कौन सा खनिज पाया जाता है ये आपको बताना है आंसर कीजिएगा फटाफट से और सभी के सभी क्लास को भी भाई लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने कि अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है चलिए नथुरा की पाल की बात कर लेते हैं एसएससी ने ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है राजस्थान में इसकी लोकेशन है और यह अपने आयरन और के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है इसके साथ ही राजस्थान में जो कि खेतरी है खेतरी माइन के बारे में याद रखेगा ये किसके प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है खेतरी माइन ये तो सुना ही होगा आपने बताइए जल्दी से खेतरी माइन किसके प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है भाई आंसर करेंगे खेतरी माइन किसके प्रोडक्शन के लिए यहां पर जानी जाती है बताइए चलिए बिल्कुल सही बात है क्या हो जाएगा यहां पर कॉपर एंड लार्जेस्ट रिजर्व एरिया कॉपर की बात करें कि भारत में लार्जेस्ट रिजर्व एरिया फॉर दी कॉपर कौन सा है खेतरी है नेक्स्ट आगे बढ़ चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पर आंसर कीजिएगा यहाँ पे कि भाई बेलाडीला खादान किस खनिज से संबंधित है आंसर कीजिएगा बेलाडीला माइन की बात करते हैं दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है कहां पर है दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है अब ये दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कहां पर है तो भाई ये है छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में है और किसके प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है सो so, आयरन और के उत्पादन के लिए यह माइन जानी जाती है द नेक्स्ट आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पर आंसर कीजिएगा सभी सबरीमाला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग ठीक है इसकी अगर बात कर लेते हैं तो पद्म संभव पद्म संभव जो की है उनको यह समर्पित है ये टेम्पल याद रखिएगा और यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी जो लोकेशन आ जाती है यह कहाँ पर है आंसर कीजिएगा पद्म संभव नहीं बल्कि भगवान अयप्पा से रिलेटेड है चलिए क्या हो जाएगा सॉरी अयप्पा भगवान विष्णु जी को अलग अलग रूपों में यहाँ पर पूछा पूजा जाता है सो यह है भगवान अयप्पा जी से संबंधित है ये मंदिर और इस मंदिर की बात कर लेते हैं तो केरल राज्य में जो कि सबरीमाला पहाड़ियां वहां पर यह बना हुआ है आगे आते हैं क्वेश्चन पर द नेक्स्ट है आपका कि भाई विच ऑफ नॉट अ गोस्ट टाउन इनमें से कौन सा एक शहर है जिसे कि गोस्ट टाउन के लिए नहीं जाना जाता है बताइए चलिए चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा किसको नहीं जाना जाता है तो यह नहीं जाना जाता है चिरकरी को चिरकरी एक विलेज है जो कि महोबा में है है ना और महोबा की बात करें क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है बाकी ये सभी गोस्ट सिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भूत घूमते फिरते हैं या भूत रहते हैं ऐसा नहीं है इट मीन कि यहाँ पर ना जैसे कि महामारी हुई या फिर जैसे कि साइक्लोन का प्रकोप हुआ या बहुत ही ज्यादा हैवी रनफॉल हुआ तो उन सभी चीजों का सामना इन्हें बहुत ज्यादा देखना पड़ता है ठीक है जहां पर कि रहना बहुत ही मुश्किल होता है इसीलिए इन्हें गोस्ट सिटी कहा जाता है यानी कि एक तरह से श्रापित एरिया भी कहा जाता है तो कभी आप लोग सोचो कि वाकई भूत होते हैं और भूत घूमते हैं तो ऐसा नहीं है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेस्ट इनमें से कौन सा है जो कि सही तरह से मेल नहीं खाता है एक तरफ आप लोगों को यहाँ पे कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं उनके सामने आपको निकनेम दिए गए हैं बताएंगे क्या हो जाएगा निकनेम दिए गए हैं सो इनमें से कौन सा है जो कि सही तरह से मेल नहीं खाता है जयपुर की बात कर लेते हैं पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है बिल्कुल सही बात है उज्जैन की बात करेंगे सो सिटी ऑफ महाकाल के लिए जाना जाता है कोलकाता की बात करेंगे तो सिटी ऑफ जॉय सिटी ऑफ पैलेस के लिए जाना जाता है कोलकाता को और जैसलमेर की बात कर लेते हैं तो इन्होंने क्या कहा है कि भाई इसे सिटी ऑफ लेक के नाम से जाना जाता है चलिए आंसर कीजिए बताओ इनमें से कौन सा सही तरह से मेल नहीं खाता है बताइए आंसर कीजिएगा झीलों का शहर सिटी ऑफ लेक किसे जाना जाता है उदयपुर को जाना जाता है क्या हो जाएगा उदयपुर को जाना जाता है राजस्थान में एज अ सिटी ऑफ लेक्स ना कि जैसलमेर को जाना जाता है तो क्या आंसर रहेगा कि भाई डी ऑप्शन जो की है ये इन्होंने आपको गलत आंसर दिया हुआ है ठीक है क्या हो जाएगा डी ऑप्शन यहां पे आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई गलत आंसर यहां पे रहेगा क्लियर है चीजें जल्दी से बताइए यहां तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों को फटाफट से हाँ बिल्कुल सही बात है और इसके लिए चलते ही है अक्सर विवादों में भी रहता है धर्मवीर चलिए चलिए तो एक काम कर लेते हैं आज का जो कि सेशन है इसको हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं बाकी जो आपको क्वेश्चंस हैं वो मैं आगे का जो सेशन रखूंगी ज्योग्राफी का उसमें मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी लेकिन हाँ मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे करके जाऊंगी जिसका आंसर आप सभी करेंगे चलिए और ये जो क्वेश्चन है यह है कि भाई डेजर्ट ऑफ डेथ कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है डेजर्ट ऑफ डेथ ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है ऑफलाइन कमेंट करके आंसर कीजिएगा कि डेजर्ट ऑफ डेथ आपको इसको इसकी लोकेशन बतानी है इसकी लोकेशन कहाँ पर है लोकेशन आपको बतानी है इसका नेम आपको बताना है किसको कहा जाता है अच्छे से सर्च कीजिएगा और ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके साथ ही आप लोगों के लिए टू फोर्टी फाइव पी एम भी एक सेशन है उस सेशन को भी आप लोग अटेंड कर लीजिएगा टेन मिनट्स की वीडियो रहेगी तो उसको जरूर अटेंड कर लेना आज टू फोर्टी फाइव पी एम के सेशन में ठीक है इसके साथ ही भाई आप सभी जो की हैं क्लास से डेली जुड़ जाया क्या करो क्लास डेली जुड़ जाया क्या करो एक तो सेवन पी एम डेली अपनी करंट अफेयर की क्लास होती है करंट अफेयर की क्लास अगर आप लाइव नहीं कर पाते हैं तो ऑफलाइन कर लिया क्या कीजिए बट डेली करंट अफेयर की क्लास से जुड़ा किया करो बाकी ग्यारह बजे की जो क्लास है इसमें हम लोग डेली अपने टॉपिक वाइज चीजों को कवर कर ही रहे हैं मैं सोच रही हूँ कि कल आप लोगों को मैं इंडियाज कंट्रीज के बारे में करा इंडियाज कंट्रीज क्योंकि SSGD में क्लियरली दिया गया है कि उस टॉपिक से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा और एक स्पोर्ट के बारे में सीधा सीधा लिखा हुआ है क्लियरली कि इनसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही तो वो मैं सोच रही हूँ कि कल हम लोग इंडियाज नाइबरहुड कंट्रीज के बारे में कवर कर लेते हैं ठीक है ठीक है तो कल सभी जुड़ जाइएगा टाइमली ही बाकी आपको अब मैं पी के लिए बता देती हूँ पी जो है आज की क्लास की भी और बाकी क्लासेस की जो पी है वो आपको कहाँ पर मिल चुकी है तो वही यहाँ पर देख लीजिएगा ये टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर लेना यहाँ पे आपको पी मिल जाएगी और इसके साथ ही अन एप्लीकेशन पर अभी आप लोगों के लिए जो कि ऑफ़र है यह है चल रहा है तो आप लोग अपने ऑफर से यहाँ पर जुड़ सकते हैं जिसमें कि आपको प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिलेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को फिजिकल नोट्स मिलेंगे बाकी आपकी जैसे कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है फिजिकल सॉरी प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज है एंड लाइव क्लासेस इंट्रोडक्शन और भी काफी सारी चीजें है, हैं वह आप लोगों को दोनों ही एरिया में यहाँ पे मिल जाएगी साथ ही आपका ऑल इंडिया रैंकर बैच यहाँ पर शुरू हो रहा है तीस नवंबर से तो आप इससे जुड़ सकते हैं आप मैथमेटिक्स की कंप्लीट सेशन ले सकते हैं एसएससी के लिए मेरे कोड को यूज करते हुए मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में साथ ही आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर सकते हैं तीस नवंबर से शुरू हो रहा है फाउंडेशन बैच जो कि एसएससी एस स्टेनोग्राफर के लिए है ये भी आप लोगों का तीस नवम्बर से शुरू हो रहा है तो आप लोग अपने इस बैच से भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं ठीक है और सब्सक्रिप्शन के ऑफर के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे क्या चीजें आप लोगों को मिल रही हैं देखिए 24 मंथ्स में आपको 12 महीने बिल्कुल फ्री पढ़ने का मौका मिल रहा है यानी कि तीन साल की वैलिडिटी के साथ में यहाँ पर थ्री ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको अपना सब्सक्रिप्शन का ऑफर मिल रहा है जिसमें कि सिर्फ एक दिन के लिए आपको वहीं सिर्फ तीन ₹3 ही पे करने होंगे ये ध्यान रखना तो आप 24 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स के साथ में 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं और इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग मेरे कोड को यूज कीजिएगा जो कि की है एस ओ टी वाई ठीक है तीन हजार छह सौ यानी कि थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड से मिलेगा आप लोगों को थ्री ईयर का सब्सक्रिप्शन एटीन मंथ का आपको थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीज में मिलेगा इसके साथ ही भाई आप सभी यहाँ पर यूट्यूब पर बल्कि अनकेडमी एप्लीकेशन पर मुझे स्पेशल क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं अभी जो क्लास अपनी चल रही है राधा कृष्ण सभी के सभी ऑफलाइन कमेंट करके आंसर कीजिएगा जो भी अपनी क्लास चल रही है क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे जा सकते हैं ठीक है क्लास का जो ये एरिया आपको दिया गया है ना डिस्क्रिप्शन का इसमें आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा पोलो सोनम त्यागी ऑन अन अकेडमी एंड इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग मुझे अन अकेडमी एप्लीकेशन पर फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं पोल के थ्रू तो इसमें आप लोग अपनी तैयारी को भी चेक कर पाते हैं नहीं ऐसा नहीं है धर्मवीर वैसे मैं आपको अगर बताऊं तो मैं मैं आपको क्वेश्चंस के साथ में काफी एक्सप्लेनेशन भी देती हूं तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बल्कि नंबर ऑफ पॉइंट्स पर फोकस किया कीजिए और मैं यकीन से नहीं बल्कि दावे से कह सकती हूं कि मैंने नंबर ऑफ पॉइंट्स जो आपको क्लास में बताए हैं वो फिफ्टी से ज्यादा होंगे चाहे तो आप चेक कर लीजिएगा ठीक है बाकी आज जोग्राफी का एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन था कभी सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही कराती हूँ आप ये नहीं कह सकते हो कभी कभी मैं आप लोगों को हंड्रेड क्वेश्चंस भी कराती हूँ तो इस चीज़ को आप नकारा मत क्या कीजिए टीचर इतनी मेहनत करता है आपके लिए कभी उसके लिए अप्रीशिएशन भी बनता है शिकायतें ही मत हमेशा क्या कीजिए ठीक है चलिए सो क्लास को यहाँ तक रखते हैं और भूत वाले ऑप्शन छोड़ो चुपचाप से पढ़ाई पर ध्यान दो एस सी की तैयारी में लग जाइए चलिए आज की क्लास को यहाँ तक रखते हैं मिलते हैं हम लोग कल सुबह सात बजे करंट अफेयर की क्लास में और रात को आठ बजे अपनी स्पेशल क्लास में अन अकेडमी एप्लीकेशन पर ठीक है सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत